आज का समय फिर से कहा है कि मर जाना कबूल है पर अब नीतीश कुमार के साथ जाना कबूल नहीं है और अगर उन्हें खून की जरूरत होगी तो मैं चला जाऊंगा। देखिए, कल ललन सिंह ने जो बयान दिया और ललन सिंह ने ये कहा कि हमने कभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ये ललन सिंह कौन होते हैं बयान देने वाले? ये बयान तो नीतीश कुमार ने दिया था और दिसंबर में जब विंटर सेशन शुरू हो रहा था उसके पहले विधानमंडल दल की जो बैठक हुई उस बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि तेजस्वी मेरे उत्तराधिकारी होंगे, 2025 के चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। और कल ललन सिंह कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, तो अगर हिम्मत है नीतीश कुमार की तो वो ऐलान करें कि मैंने गलत बयानी की थी, मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। तो 3 महीना पहले नीतीश कुमार ऐलान करते कि मेरे उत्तराधिकारी होंगे और पार्टी में चूंकि भगदड़ शुरू हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, तो डर के मारे ललन सिंह बयान दे रहे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अरे आपने बयान थोड़ी दिया था, आप कौन है? राष्ट्रीय जनता दल यू के अंदर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन जनता दल का मतलब नीतीश कुमार होता है और नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार बताए कि आपने ऐलान किया था कि नहीं किया था, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी होंगे, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि 2025 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। और फिर एक बात पलट के अपनी बात से, अब तो राष्ट्रीय जनता दल को विचार करना है कि जो समझौता हुआ था उस समझौते से नीतीश कुमार अगर पलट रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ललन सिंह के बयान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार बयान दे कि मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी, अगर की थी तो गलती थी और 2025 में नेतृत्व जो है वो नहीं करेंगे, मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा। नहीं तो बताएं ललन सिंह कौन करेगा नेतृत्व? गोल मटोल बात बोल रहे हैं कि अभी तो 2024 है, 2025 आएगा तब देखा जाएगा, तो गोल मटोल बोल रहे हैं। इसे देखिए, 2025 को तो किसने देखा, 2024 में ही इनका सफाया हो जाएगा। और नीतीश जी ने एक समय में कहा कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और फिर कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, तो कम से कम उन्होंने 50 से बढ़ाकर बीजेपी को 100 तो कर दिया। इसलिए ललन सिंह के बयान का कोई अर्थ नहीं है, बयान दे नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के जगता बाबू बताएं कि जो ललन सिंह ने कहा वो सही है क्या? क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ है, क्यों डर गए, घोषणा करने के बाद क्यों पलट गए? तो जगता बाबू को आगे आकर इसका खुलासा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं जगता बाबू ने टीवी चैनल को नवंबर में कहा था कि मार्च के प्रारंभ में 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगी और नीतीश जी त्यागपत्र देकर केंद्र की राजनीति करें। इसलिए नीतीश कुमार को इन बातों का खुलासा करना चाहिए, उनको सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए।